एजाज हमने कैंसिल कर दिया आप ना एजाज लिसन टू मी लिसन टू मी यू कैन टेक एनी पोजीशन बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एजाज वी हैव कैंसल्ड योर डिसीजन फिनिश्ड डिबेट करके कोई फायदा नहीं हो हम बॉस है हमने कहा आप नहीं कर सकते आप पीओके नहीं ले जा सकते आपको फॉलो करना पड़ेगा वी आर द बॉस कोई बॉस नहीं है वी आर द बॉस नहीं है हम बॉस हैं हम बॉस हैं आपको आपको सुनना पड़ेगा कैन आई कम इन प्लीज ये आपकी गलतफहमी है गलतफहमी नहीं पीसीबी अग्री कर चुकी है पीसीबी अग्री कर चुकी है ब्रेकिंग न्यूज पीसीबी अग्री कर चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कैसे बन गए स्वामी साहब ये नहीं हो सकता ऐसे ही चलता है दुनिया ऐसे ही चलती है ये नहीं हो सकता दुनिया ऐसे ही चलती है असलम दोस्तों आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर है एक तो पाकिस्तान के किस किस शहर में जाएगी उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया और वर्ल्ड वाइड कहां कहां जाएगी कब कब जाएगी भारत कब जाएगी ये सारा शेड्यूल अनाउंस कर दिया है और खबर ये है कि आईसीसी ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल अनाउंस किया था ट्रॉफी के विजिट का कि कौन कौन से शहर में जानी उसको चेंज कर दिया है खास बात यह है कि कश्मीर में नहीं जाएगी ट्रॉफी ये जो भारत ने एतराज़ उठाया था और आईसीसी को कहा था कि ये कैसे जा रही है आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया अब ट्रॉफी कश्मीर नहीं जाएगी पूरे का पूरा शेड्यूल चेंज है पाकिस्तान के किस किस शहर में जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं मगर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए इतलाए अर्ज ये है कि मैं जब से कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बज़ाहिर नहीं अब जेन्युइन बेबस है अपनी चीजों के ऊपर ही मतलब एक चीज जो आईसीसी के साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक दिन पहले अनाउंस करता है अगले दिन आईसीसी शेड्यूल अनाउंस कर देता है यानी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शेड्यूल है उससे डिफरेंट शेड्यूल आईसीसी अनाउंस कर देता है और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अनाउंस कर देता है हाँ जी यही शेड्यूल है अब ये शेड्यूल नया शेड्यूल है यही हतमी जाहिर आईसीसी ने कह दिया तो वही हतमी है पॉइंट इज कि जो आपने किया था आईसीसी के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद जाएगी वो ट्रॉफी नहीं जाएगी ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या है इससे बड़ी सबूत कुछ नहीं मिल सकता और ये जिसे बोलते हैं ना ट्रेलर है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आगे क्या फैसले होने हैं ना आप इसी से समझ लीजिएगा और हर चीजों के ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता बेंट होंगे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजिस्ट किया नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात की नहीं की उन्होंने कहा नहीं जाएगी तो नहीं गई है उन्होंने नया शेड्यूल दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा जी बिल्कुल ठीक है यही शेड्यूल है आप इसी पे जाएंगे कोई एक तरद्दुद आया हो कोई एक जिसे बोलते ना कोई चीज आई हो नथिंग बस चुप करके जो उन्होंने कहा मानो और माना जा रहा है सिंपल इज दिस अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अनाउंस किया था उसके अंदर पाकिस्तान ने बोला था कि स्कर्दू में जाएगी मरी हुंसा मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद इन जगहों के ऊपर ट्रॉफी रहेगी ठीक है मुजफ्फराबाद कर दो हुंसा और ये वो अब जो आईसीसी ने अनाउंस किया है उन्होंने बोला कि 16 सितंबर यानी इस्लामाबाद से आज से शुरू हो रही है इस्लामाबाद की तीन वेन्यूज होंगे वहां पे ट्रॉफी जाएगी और उसके बाद 17 को टेक्सला और खानपुर 18 को एबटाबाद जाएगी 19 को मरी जाएगी 20 को नथियागली जाएगी और 22 से 25 तक कराची में रहेगी ये पाकिस्तान का टूर है मुकम्मल हो गया 25 तक ठीक है जी 16 से 25 तक ये शहर है पाकिस्तान के जिसमें नथियागली है मरी है एबटाबाद है टेक्सला खानपुर इस्लामाबाद और कराची ये शहर है बाकी वो जो मुजफ्फराबाद वगैरह था वो सब निकल गया क्योंकि भारत को पसंद नहीं है तो आईसीसी को भी पसंद नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर बेबस है सिंपल इज दिस अब जी 26 और 28 तक ये अफगानिस्तान हमारे हमसाए देश वहां पे ट्रॉफी जाएगी पाकिस्तान से अफगानिस्तान 26 से 28 यानी तीन दिन वहां पे रहेगी बांग्लादेश में 10 और 13 दिसंबर तक बांग्लादेश में रहेगी 10 दिसंबर को जाएगी और 13 दिसंबर तक बांग्लादेश में रहेगी वहां से फिर जाएगी साउथ अफ्रीका वहां पे रहेगी 15 से 22 दिसंबर तक फिर जाएगी ऑस्ट्रेलिया 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया में रहेगी फिर जाएगी 6 से 11 जनवरी तक न्यूजीलैंड में फिर जाएगी 12 से 14 जनवरी तक इंग्लैंड में और 15 से 26 जनवरी तक भारत में 15 से 26 जनवरी तक कितने दिन बनते 15 से 26 11 तो सबसे ज्यादा कहां पे फिर रही है भारत में ये मैं आपको ये डेट इसलिए बता रहा हूं सबसे ज्यादा कहां फिर रही है भारत में पाकिस्तान से भी जो होस्ट है उससे भी ज्यादा दिन ट्रॉफी वहां पे मुख्य शहरों में क्रिकेट प्रमोशन के लिए रहेगी दिस इज द रियलिटी उम्मीद आप लोग ठीक होंगे दोस्तों एक दफा फिर भारत का जो मीडिया है वो खबर दे रहा है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को मना कर दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कश्मीर में ना लेके जाएं और अब हो ये रहा था जो मैंने पढ़ा जिसमें कि क्योंकि आईसीसी जो है उसने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसकी ट्रॉफी पाकिस्तान भेज दी और पाकिस्तान जो है वो हुंजा मरी स्कर्दू मुजफ्फराबाद ये दीज आर ऑल सीनिक प्लेसेस बेसिकली अगर आप स्कर्दू जाएं तो इट्स ऑन द टॉप मरी इज अगेन माउंटेन एरियाज माउंटेनियस एरिया देन हुंजा ब्यूटीफुल मुजफ्फराबाद कश्मीर में है तो ये जो वहाँ पे जा रहे हैं तो इंडियंस ये कह रहे हैं या इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ये तमाम डिस्प्यूटेड एरियाज हैं ठीक है जी और ये जितने भी लोकेशंस हैं एज पर इंडियन मीडिया ये सारी की सारी जो है ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई की हुई है दिस इज इंडियन वर्जन अब पाकिस्तान जारी बात है वो ये तो नहीं अब हुंजा स्कर्दू मरी मुजफ्फराबाद ये इसको अगर आप डिस्प्यूटेड एरिया कह दें तो पाकिस्तान के पास बचता क्या है फिर बहरहाल इंडियन मीडिया अब देखें इसमें है क्या इसमें थोड़ा लॉजिक समझने की जरूरत है मुझे जो व्हाट आई मेक ऑफ दिस फर्स्ट दे डिसाइडेड उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जैसे ही
करीब आएंगे आईसीसी की ट्रॉफी के और जब 90 दिन रह जाएंगे तो हम ये करेंगे कि हम इमीडिएटली ये ऐलान करेंगे थ्रू मीडिया के हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, फिर हम प्रॉपर ऐलान कर देंगे, फिर हम आईसीसी को लेटर लिखेंगे, फिर अगर आईसीसी जारी बात है अपने शेड्यूल के मुताबिक चल पड़ता है जो शेड्यूल था, और वो शेड्यूल में ये था कि जी ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान आएगी, अब जो ट्रॉफी है पाकिस्तान पहुंच गई है, जब ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई है तो अब फिर क्या करें जी, अब जारी बात है जो पाकिस्तान ने मीडिया प्लान करना था, पीआर कैंपेन्स प्लान करनी थी, या जो हम चीज़ें चाहते थे पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं वो सारी की सारी वहां पे होंगी। सो एज इट हैपेंड ये खबर आ गई है, सो दे आर यू नो द डिसीजन हैज बीन टेकन कि जी हमें अगर कश्मीर की बात कर रहे हैं मुजफ्फराबाद तो हम जी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम वहां पे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। सो ये वही बात होगी G20 वाली कि पाकिस्तान जो है उसने कहा जी G20 में इंडिया टूरिज्म की क्यों कॉन्फ्रेंस कर रहा है, डिस्प्यूटेड एरिया है, तो बाकी मुल्क तो चले गए लेकिन मुसलमान मुल्कों को पाकिस्तान ने कहा कि आप वहां पे ना जाएं। अच्छा 200 से ज्यादा इवेंट्स किए उन्होंने G20 के, कुछ उन्होंने कश्मीर में किए, जो कश्मीर में थे पाकिस्तान ने उसमें मुसलमान आई थिंक सऊदी अरब टर्की और आई थिंक UAE UAE तो चला गया था शायद, मुझे इसके UAE was not part of, is not part of the G20, सऊदी अरब एंटर की दोनों नहीं गए थे बराबर। सो ये एक पॉइंट है। सो इंडिया, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ना, दे आर प्लेइंग विद द नर्व्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नर्व्स के साथ खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इट साइकोलॉजिकली, आपके साथ वॉर गेम्स जिस तरह होती है ना, वॉर गेम्स कर रहे हैं वो, ठीक है जी। और सुनने में ये आ रहा है कि जो BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब, उन्होंने फ्राइडे को ICC के टॉप मैनेजमेंट से बात की है और पाकिस्तान के हवाले से ये कंडेम किया है कि वो इस जो इवन बेसिकली इंडिया ने प्रोटेस्ट किया ICC के भाईजान ये पाकिस्तान जो है ये ट्रॉफी को कश्मीर में क्यों लेके जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा मे बी द पीपल हु आर सिटिंग इन द ICC दे मे नॉट नो कि ये ज्यादा गोरे अगर लेट से हैं तो दे मे नॉट नो कि वहां पे पाकिस्तान और इंडिया की इतना सख्त प्रॉब्लम है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते इन चीजों में। चैंपियंस ट्रॉफी दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन इस इवेंट का नाश मारने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो, उससे बढ़कर दोनों मुल्कों के यूट्यूबर सोशल मीडिया। भाई जब ये टूर्नामेंट होते हैं बहुत सारी डेवलपमेंट होती है, बहुत सारी बातचीत होती है, जो भी पुअर ट्रैवलिंग चीज़ें होती हैं उनमें कोई कमी बेशी होती है उनको दूर किया जाता है, उनमें जो कंसर्न्स होते हैं उनको दूर किया जाता है, लेकिन भाई अब ये सोशल मीडिया आ गया है पिटारी में से निकलती है और लोगों पे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, भाई आपकी क्या राय, अब नई पिटारी में से क्या निकला है कि जो ट्रॉफी आती है ICC कहीं पर भी वो मुख्तलिफ शहरों में जिस मुल्क में ले जाई जाती है और उसके टूर के पीछे ये होता है कि हर मुल्क उसको कोशिश करता है ICC को एतमाद में लेता है। मैंने कम से कम 20-22 साल कैरियर में ICC की जो ट्रॉफीज़ हैं वो बहुत कवर किए हैं कि मुख्तलिफ आती हैं, जैसे कराची में आई तो बाज़ औक़ात उसको स्कूल कॉलेजेस में ले जाया जाता था या उसको मोहट्टा पैलेस में जो कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना का था कायदे आज़म के मज़ार पर, जो आइकॉनिक जगह आती हैं। अब फिर ICC ट्रॉफी इस्लामाबाद आई और पता चला कि जी उसको हुंजा मरी गिलगित जो शुमाली इलाका जाते हैं जो अपनी खूबसूरती और हुसन और टूरिज्म की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और उसके बाद उसको K2 के बेस कैंप तक ले जाना था जो कि स्कर्दू में मौजूद है। लेकिन अब खबर ये आई है कि जनाब भारत ने ये बावेला शुरू किया है कि ये जो शहर हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान हो गए या स्कर्दू हो गए मरी हो गए, ये जनाब ऑक्यूपाइड कश्मीर में आते हैं और यहाँ ट्रॉफी कैसे जा रही है। अबे भाई जब तुमने पाकिस्तान खेल नहीं आना, वो ट्रॉफी जो है वो स्कर्दू जाए, गिलगित जाए, हुंजा जाए या दिल्ली जाए या कहीं पर भी जाए या मेरी तुम्हारी खारा के घर में जाए, तुम्हें लेना देना क्या, अब करने दो ना, आप करने भी नहीं देते, वही उठक पुटक चल रही है। अब जनाब मैं कहता हूं कि ये खबर बिल्कुल गलत होनी चाहिए, लेकिन अगर इस खबर में कोई सदाकत है तो इसको हल करना चाहिए, और जिसने भी ये चीज़ें बनाई हैं ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान ने अगर ये ट्रॉफी जो है मुख्तलिफ शहरों में विजिट करनी थी तो उन्होंने ये पहले बताया ICC को, ICC का बंदा होता है, ये ओरिजिनल ट्रॉफी नहीं होती भाई, ये रेप्लिका ट्रॉफी होती है, ICC के बंदे होते हैं, बड़ी खूबसूरत बक्से में उसको खोला जाता है, बंद किया जाता है, जब फिर हो जाता है फिर साफी भी कहते हैं यार हमें पकड़ा दो, जो स्पोर्ट्स से मुंसलिक साफी हैं इंडिया पाकिस्तान में कम से कम सबने इस ICC ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचाई होगी। ये ऐसा नहीं है कि आज मीडिया के जरिए इंडिया को पता चला है कि भाई ये ट्रॉफी ने इन इन शहरों में जाना है, ये पाकिस्तान ने ICC को पहले लिख के दिया होगा, ये म्यूचुअल कंसर्न होगा कि इन शहरों में ट्रॉफी जाएगी और वो भारत को भी पता होगा, उस वक्त आपने एतराज़ नहीं किया। तो ये जो सोशल मीडिया पे खबरें मैं ब्रेकिंग दे रहा हूँ, ये ब्रेकिंग कुछ भाई इंडिया से शुरू हो जाते हैं, अब वो जवाब दर जवाब सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से मोहब्बत वो सब हो गई, वो उधर से एक भाई हमारा यूट्यूब पे बोल रहा है, इधर से ये जवाब दे रहा है, वो आपस में जंग लड़ रहे हैं। अबे भाई खुदा का वास्ता क्रिकेट से मोहब्बत देखो। तो दोस्तों ये था कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन, इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।